हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू बैंक आईक्यू। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। आज 9th में है और आज का पॉजिटिव कोट है, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू, हैज बीन सेड बाय APJ अब्दुल कलाम। क्या आपको पता है आज दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में जो अपना रिसर्च का एक प्रोग्राम होता है दिमाग के साथ और सक्सेस के साथ जुड़ी हुई जो रिसर्च है, टू बी मोर स्पेसिफिक, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों का मैंने इंटरव्यू देखा है, काफ़ी अच्छी कुछ किताबें भी पढ़ी हैं, और एक कंक्लूजन जो हम इसमें से निकाल सकते हैं वो ये है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग जो रहे हैं, जो भी फेमस सक्सेसफुल लोग हैं, उनके अंदर दो चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। द फर्स्ट थिंग इज़ कि उन्होंने जो अपने आप से जो शब्द कहे हैं, द वर्ड्स दे टेल टू देमसेल्व्स आर क्वाइट पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि जो पिक्चर वो अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। ड्रीम्स अगेन समथिंग सिमिलर, राइट? सक्सेसफुल लोग जो हैं वो जो डे ड्रीमिंग करते हैं तो उसमें भी पॉजिटिव, कॉन्शियसली पॉजिटिव चीज़ें अपने आप से डिस्कस करते हैं, अपने आप को पॉजिटिव वर्ड्स कहते रहते हैं, जो इमेजेस वो क्रिएट करते हैं वो भी पॉजिटिव करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो पूरा एक सिस्टम है, वो सारी सिस्टम जो हैं वो धीरे धीरे करके आपकी हेल्प करने लगती हैं। एक फिल्म का डायलॉग भी है, एक एल्केमिस्ट नाम की बुक है पाउलो कोलेहो की, तो उसमें से ये डायलॉग जो है फिल्म का वो इंस्पायर हुआ है कि पूरी कायनात आपकी मदद करने लगती है, बट फॉर दैट यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। सो ड्रीम बिग इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव इम्पॉसिबल थिंग्स इन योर लाइफ। आज हमारे टेबल के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, लेकिन वी आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन 3 आइटम्स। द फर्स्ट वन इज़ सर्कल ऑफ लाइफ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोडाइवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ, नेचर के साथ जुड़ा हुआ एक एडिटोरियल है। सेकंड वन इज़ ए वेकअप कॉल ऑन प्रोप्राइटरी सीड्स। कुछ दिनों पहले पेप्सी जो एक कंपनी है, पेप्सी वर्सेस गुजरात के कुछ 4 ऐसे किसान थे, जो एक केस चलने वाला था और क्या क्या चीज़ें हुई ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, खेतीबाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है और क्या चीज़ें थी और आज क्या हो गई हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ गोइंग टू बी टेकिंग टेंशंस सीरियसली, इट इज़ अबाउट इंडिया एंड USA। बाकी के जो आर्टिकल हैं ये एक प्योर पॉलिटिकल आर्टिकल है। दिस वन अगेन, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है देन यू कैन गो थ्रू इट, और एल्स यू कैन क्लियरली ड्रॉप दिस 3 आर्टिकल्स। ए ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस, इसके बारे में हमने काफ़ी चर्चा कर ली है, CJI के खिलाफ जो ये केस चल रहा है तो उसी के ऊपर लिखा गया एक आर्टिकल है। ईजी टू अंडरस्टैंड है, जस्ट गो थ्रू इट वंस। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, ये है मेरा FB पेज, यू कैन डाउनलोड द PDF ऑफ टुडेज लेक्चर फ्रॉम माय FB पेज, यू कैन फॉलो मी एंड यू कैन गेट इन टच विथ मी एज वेल। बात करते हैं सर्कल ऑफ लाइफ के बारे में। एक रिपोर्ट निकाला है IPBES ने, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेस। जब कभी बायोडाइवर्सिटी के साथ या फिर नेचर के साथ जुड़े हुए जो रिपोर्ट्स पिछले कुछ सालों से, कुछ दशकों से जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई भी पॉजिटिव चीज़, ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही नेगेटिव होती हैं, और यहाँ पर भी यही चीज़ हमें इस रिपोर्ट में पढ़ने को मिलती है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ह्यूमंस आर डिस्ट्रॉइंग द नेचर एंड स्पीसीज बिलोंगिंग टू ए क्वार्टर ऑफ ऑल स्टडीड एनिमल्स एंड प्लांट ग्रुप्स ऑन अर्थ आर ग्रेवली थ्रेटन्ड। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट शब्द जो हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, दैट इज स्टडीड एनिमल एंड प्लांट। क्या आपको पता है कि आज भी लगभग 90% जितनी जो मराइन स्पीसीज हैं, जो समंदर में रहने वाली अलग अलग स्पीसीज हैं, उसके बारे में हमें पता भी नहीं है, 90%। आज के न्यूज़ पेपर में, लास्ट पेज में, द हिंदू में आपको एक स्नेक की नई स्पीसीज हमें एक जगह से मिली है हमारे देश में से, तो ऐसी बहुत सारी स्पीसीज हैं जिसके बारे में हमने स्टडीज़ नहीं की है। तो उनका कितना डैमेज हुआ है, कितनी ऐसी स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में तो हमें पता भी नहीं है। एंड ऑफकोर्स यहाँ पर सबसे बड़ा जो कोई कल्प्रिट है, जिसने इस दुनिया की हालत ये कर दी है, देन इट इज़ अस, राइट? ह्यूमन बींग्स, हम सब ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली चीज़ों को सिर्फ तबाह ही किया है।
बहुत कम लोग नेचर का ध्यान रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली दे आर डिस्ट्रॉइंग, और आई कैन से वी आर डिस्ट्रॉइंग दिस वर्ल्ड। इसमें हम सब, सबसे ज़्यादा तो मैं शामिल हूँ। आई कैन नॉट ब्लेम अदर्स, आई हैव टू पॉइंट द फिंगर टुवर्ड्स मी ऑफकोर्स। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, ये एक ऐसा टॉपिक है। इसके ऊपर टॉप लेवल पर यानी कि यूनाइटेड नेशन के लेवल पर कितनी भी मीटिंग्स अगर क्यों ना हो जाएं, कंट्री लेवल पर चीज़ें होनी चाहिए, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ये तब तक नहीं हो सकती जब तक हमारी जो हैबिट है, जो भी कोई गलत हैबिट है, ये अगर गलत हैबिट हमने चेंज नहीं की, इसमें अगर रेवोल्यूशन नहीं आया, तब तक ये चीज़ में बदलाव नहीं हो सकता। अगर आप ओशो की कुछ किताबें अगर पढ़ें तो यू विल फाइंड उन्होंने नेचर के ऊपर काफ़ी सारी बातचीत की है, एंड ही हैज़ टॉक्ड अबाउट नेचर के ह्यूमन बीइंग्स जो हैं हमें इस प्रकार से एक टाइम के बाद इस प्रकार से हमारी प्रोग्रामिंग हुई है कि नेचर जो हैं उसको हमसे अलग कर दिया। लेट मी पुट इट इन मोस्ट सिंपल वे कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या फिर जो भी पैसा कमाना, ये सारी चीज़ों के चक्कर में हमने नेचर को टोटली इग्नोर कर दिया है। ये बात उन्होंने बहुत टाइम पहले कही थी और आज के रिपोर्ट्स में भी हमें इस चीज़ के बारे में पढ़ने को मिलता है। सबसे ख़तरनाक बात ये है कि अगर ये जो करंट हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मॉडल है, अगर इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते रहें तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा स्पीसीज़, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख जितनी स्पीसीज़ जो हैं वो तबाह हो सकती हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ आइटम के फॉर्म में था, आई थिंक कल नहीं लेकिन परसों न्यूज़ आइटम के फॉर्म में ये एक इन्फोग्राफिक था जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था, और मैंने आपको बताया भी था कि इस इन्फोग्राफिक को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। आई एम श्योर आप में से जितने स्टूडेंट्स ने उसको अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे इसके साथ जुड़े हुए फैक्ट्स जो हैं वो मालूम होंगे। आज का हमारा जो इकोनॉमिकल मॉडल है उसमें हम देखिए जीडीपी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जितने भी टोटल जो प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, जो सेल्स हुआ है, फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, तो इन सारी चीज़ों को गुड्स एंड सर्विसेज का एक टोटल निकाल लेते हैं। जब हम एक प्लेट राइस ऑर्डर करते हैं रेस्टोरेंट में तो हम क्या देखते हैं कि इसकी प्राइस कितनी है। मान लीजिए कि 100 रुपीज़ है कोई अच्छे से रेस्टोरेंट में, और अगर हम हाफ प्लेट खाकर छोड़ देते हैं देन वी थिंक दैट हमने तो सिर्फ 50 रुपये का ही नुकसान किया है। लेकिन एक किलो राइस को उगाने के लिए हमारे जैसे देश में जहां पर बहुत ज़्यादा पानी का उपयोग किया जाता है फॉर एग्रीकल्चर, तो ये कहा जाता है, कुछ आंकड़े ये बताते हैं, सीरियसली यू वॉन्ट बिलीव, कि 10,000 लीटर तक इतना पानी हम उपयोग करते हैं जस्ट टू प्रोड्यूस 1 किलो राइस। तो अगर हम एक प्लेट राइस वेस्ट करते हैं तो यू कैन इमेजिन कि हम नेचर का जो एक रिसोर्स है उसका कितना अनसस्टेनेबल तरीके से रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं। और जो बायोडाइवर्सिटी है, ख़ास करके इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ जो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, इंग्लैंड से शुरुआत हुई और उसके बाद दुनिया के अलग अलग जो आज डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई, और धीरे धीरे अब डेवलपिंग वर्ल्ड भी इसी पैटर्न के ऊपर चल रहा है, यू नो पेरिस एग्रीमेंट, ये सारी बातें जो हैं वो इस एडिटोरियल में आपको पढ़ने को नहीं मिलती है, लेकिन आई एम गिविंग यू सम एड ऑन्स ताकि आपको ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हर एग्जामिनेशन में आपको लगभग एक क्वेश्चन तो पढ़ने को मिलेगा ही। तो पेरिस एग्रीमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ पूरी दुनिया के बीच में, उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि यूएसए जब मिस्टर ओबामा थे तो यूएसए ने एक लीडिंग रोल, एक लीडरशिप का रोल प्ले किया टू मेक श्योर कि पेरिस एग्रीमेंट जो हैं वो इसके ऊपर दस्तखत हो जाए और उसके बाद इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम डिज़ाइन करें। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट के एक साल के बाद 2016 में एक मीटिंग हुई, आई थिंक इट वाज इन माराकश, और लास्ट जो COP24 की जो मीटिंग हुई थी, ये COP24 की मीटिंग हुई इन दिस कंट्री, आई थिंक इट वॉज इन बॉन, बॉन की मीटिंग जो थी वो इससे पहले, बॉन इज ए कैपिटल, इज ए बिग सिटी ऑफ जर्मनी। COP24 जो हुई वो हुई कतविसा, इट्स इन पोलैंड, तो पोलैंड में ये मीटिंग हुई और
इस मीटिंग में रूल्स को इम्प्लीमेंट करने का एक टारगेट था। पेरिस एग्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तय किया गया था कि पोलैंड में जब मीटिंग होगी तो तब तब सारी चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगी, लेकिन रूल बुक जो है वो भी हम अच्छी फाइनल नहीं कर पाए। तो आज भी ये सारी चीज़ों में जो आपको एक ह्यूमन नेचर देखने को मिलता है वो यही है कि बड़े कंट्रीज़ या फिर बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने अपने पैसों के पीछे या फिर यू कैन से अपने स्वार्थ के पीछे, स्वार्थ की वजह से दे आर नॉट गिविंग इनाफ इम्पोर्टेंस टू एनवायरनमेंट। जहाँ तक अनसस्टेनेबल रिसोर्सेज की बात है, लैंड एंड वाटर इससे अफेक्ट होता है, पोल्यूशन ऑफ लैंड, पोल्यूशन ऑफ वाटर, फिर बहुत सारी स्पीसीज जो हैं एज यू नो कि इस रिपोर्ट में बताया है 10 लाख जितनी स्पीसीज जो हैं वो विलुप्त हो सकती हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पोल्यूशन हर प्रकार का पोल्यूशन, और कई बार तो ये होता है कि अलग अलग जगहों पर हम एलियन स्पीसीज़ को हैबिटेट करते हैं, उसको रिलीज़ करते हैं, उसके बाद उसकी जो एक इम्पैक्ट होती है। अभी कुछ ही दिनों पहले न्यूज़ आइटम थी एक कि अंडमान जो इंडियन बुलफ्रॉग हैं उसको अंडमान में जब भारत ने रिलीज़ किया था तो इसकी वजह से वहाँ की जो लोकल स्पीसीज़ हैं, कुछ फ़िश की, कुछ लिजर्ड की स्पीसीज़ हैं, तो इसको डिस्ट्रॉय करने लगा है ये इंडियन बुलफ्रॉग। और ये चीज़ किसने की? ये नेचर ने नहीं की थी, ये हमने इस इंडियन बुलफ्रॉग को वहाँ पर रिलीज़ किया था। यहाँ पर एक शब्द का उपयोग किया गया है, ट्रॉपिकल कंट्रीज या फिर ट्रॉपिकल रीजन। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो एक ग्राफिक है ये हीट जोन ऑफ अर्थ रिप्रेजेंट करता है। आई थिंक 6th या फिर 7th स्टैंडर्ड में ये चीज़ें जो हैं वो पढ़ाई जाती हैं। ये सन के साथ हमारी जो पृथ्वी है वो जिस प्रकार से एक तरफ टिल्टेड है, और इसका जो शेप है, हमारी पृथ्वी का शेप इतना राउंड नहीं है, लेकिन समझने के लिए लेट्स टेक इट इट इज़ राउंड। तो सबसे ज़्यादा जो हीट और लाइट, हीट एंड लाइट जो हैं वो आपको इस रीजन में देखने को मिलती हैं, इसलिए इस रीजन को ट्रॉपिक्स कहते हैं या फिर ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, टोरिड जोन भी इसको कहते हैं। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एंड साउथ में 23.5 डिग्री साउथ ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो इसके बीच में सबसे ज़्यादा लाइट एंड हीट हमें देखने को मिलती है, एंड वी नो कि जो सन है इट्स ए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा अगर एनर्जी इस रीजन के ऊपर है तो नेचुरली आपको सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी भी यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि उतनी ही जो ग्रास है उसकी वैरायटी है, फिर ग्रास के ऊपर डिपेंडेंट इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाने वाले लिजर्ड्स और दूसरे जो स्पीसीज, तो पूरी फूड चेन सबसे ज़्यादा डाइवर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया, आपको रफली ये पता होगा कि 23.5 डिग्री जो हैं वो रफली यहाँ से पास होती है हमारे देश में। ऐसा नहीं है कि इस लाइन के डायरेक्टली ऊपर सारी चीज़ें बंद हो जाएगी, धीरे धीरे करके जो हैं इसकी इफेक्ट जो है वो फेड होने लगती है। हमारे देश में कुछ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट है, ये पूरा जो वेस्टर्न घाट एक माउंटेन रेंज है, देन यू हैव नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अंडमान एंड निकोबार, और कुछ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो हैं वो हिमालय में भी हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तबाही हो रही है, एंड जब यहाँ पर इस रीजन में सबसे ज़्यादा तबाही हो रही है तो यू कैन ऑफ कोर्स अंडरस्टैंड कि भारत जो है उसमें भी सबसे ज़्यादा स्पीसीज की तबाही हो रही है। ये माना जाता है कि कुछ 25% जितना आज ज़मीन का जो एरिया है वहाँ पर आपको इकोलॉजिकल और एवोल्यूशनरी इंटेग्रिटी की जो बेसिकली जो बायोडाइवर्सिटी है वो आज हमें सिर्फ 25% रीजन में ही देखने को मिलती है। और जब हम हमारी GDP या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैलकुलेट करते हैं उस टाइम पर हम क्लीन एयर, वाटर, फिर क्लाइमेट मॉडरेशन, कार्बन एब्जॉर्प्शन की जो एक कैपेसिटी है फॉरेस्ट की, फूड प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है नेचर की, ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट नहीं करते। ये सारी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल हैं, इज इट? तो फ्री जो चीज़ें होती हैं उसकी हमें कभी भी कीमत नहीं होती, इट्स अ वेरी बेसिक ह्यूमन नेचर। IPBES एस्टिमेट्स ग्लोबल रेट ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन इज एटलीस्ट टेंस टू हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स हायर टुडे देन द एवरेज रेट ऑफ ओवर द पास्ट 10 मिलियन ईयर्स। पिछले 1 करोड़ साल से अगर हम कंपेयर करें तो आज का जो स्पीसीज का जो एक्सटेंशन का रेट है वो 100 गुना, 1000 गुना ज़्यादा हो गया है। हम एग्रीकल्चर को फॉरेस्ट क्लियर करके एग्रीकल्चर को एक्सपांड कर रहे हैं,
जब खेती बाड़ी में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, कोई देश जो है वो ज़्यादा गेहूँ चावल एक्सेट्रा चीज़ें पैदा करता है, तब वो बहुत ही एक प्राइड महसूस करता है कि हमारे यहाँ पर फूड सिक्योरिटी हमने अचीव कर ली है। लेकिन ये फूड सिक्योरिटी हमने फॉरेस्ट्स और नेचर को डिस्ट्रॉय करके की है, ये सारी चीज़ें कोई भी देश नहीं बताता। हम अंधाधुंध माइनिंग करते हैं, राइट, बहुत सारे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, और ये सारी जो मिनरल्स और ये सारी रिसोर्सेज जो हैं वो नेचर से ही हमें मिलती है, और सबसे ज़्यादा ये नेचुरल रीजन में ही हमें देखने, नेचुरल इन द सेंस फॉरेस्ट रीजन में और इस प्रकार के रीजन में हम देखने को मिलते हैं। लेकिन ये बात अलग है कि आज बहुत सारे ऐसे रीजन जो हैं वो फॉरेस्ट में नहीं हैं, वो उन सारे फॉरेस्ट को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। पानी की बात करें, यू नो इट वेरी वेल, हमारे देश की शायद एक भी नदी ऐसी नहीं है जिसमें आपको पोल्यूशन ना मिले। पोलिनेशन जो नेचुरली सीड्स और फॉरेस्ट एंड थिंग्स जो एक्सपांड होते हैं, तो ये भी चीज़ें ख़तरे में आ चुकी हैं। एंड प्लास्टिक की बात करें तो मराइन प्लास्टिक पोल्यूशन, इससे बहुत सारी स्पीसीज, आंकड़े आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, आप देख लीजिएगा। आई हैव वन मोर पिक्चर फॉर यू गाइस। ये जो एक रीजन है इसको कहते हैं ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, ये बहुत बड़ा है, यू वोंट इमेजिन, बहुत सारे देशों से भी बड़ा है ये एक गार्बेज पैच जो पैसिफिक ओशियन है। उसमें बहुत सारे देशों ने क्या करते हैं कि अपनी एक बड़ी शिप जो होती है उसमें प्लास्टिक कचरा लेकर जाते हैं और समुद्र में ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यू वोंट बिलीव कि कितना ज़्यादा नुकसान इससे हो रहा है, माइक्रो प्लास्टिक हो, मेसो प्लास्टिक, मैक्रो प्लास्टिक, मेगा प्लास्टिक, हर प्रकार की चीज़ें, हर वेराइटी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है प्लास्टिक रबिश की, और इससे बहुत सारी स्पीसीज जो हैं वो आज मर रही हैं। हमारी जो डोमेस्टिकेटेड ब्रीड थी जिसका हम पालन करते थे, कुछ 6000 जितनी स्पीसीज में से 9%, सो वी आर टॉकिंग अबाउट 600 जितनी स्पीसीज जो हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं। अगर इन सारी चीज़ों को हमने चेंज नहीं किया तो कैटास्ट्रोफी या फिर आप कह सकते हैं जो डिज़ास्टर हैं वो हमसे बहुत दूर नहीं है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम ऑफ द डे, इट इज़ अबाउट पेप्सिको वर्सेस गुजरात फार्मर्स केस। कुछ टाइम पहले पेप्सी कंपनी ने यह तय किया था, पेप्सी की एक प्रोडक्ट है लेज, राइट, तो लेज वेफर्स बनाने के लिए वो एक ख़ास प्रकार के पोटैटोज़ का उपयोग करते हैं। पेप्सिको ने इस पोटैटो की सीड्स को डेवलप किया, कॉपीराइट लिया एक्सेट्रा, और कुछ किसानों को ये सीड्स दिए ताकि वो लोकल प्रोडक्शन से फिर इन पोटैटोज़ को ख़रीद कर फिर वो चिप्स बना सकें। एनीवे, तो ये एक मीन्स कुछ गुजरात के ऐसे किसान थे जिन्होंने कहा कि ये सीड्स हमने आपसे भले ही लिए हों, लेकिन हमने जो कुछ पोटैटोज़ पैदा किए तो उसके बाद उसके जो सीड्स हैं हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आप हमें रोक नहीं सकते। पेप्सी कंपनी और किसानों के बीच में जब ये टसल हमने देखने को मिली तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, नेशनल और इंटरनेशनल प्रेशर भी पेप्सी कंपनी के ऊपर बढ़ गया, और फिर पेप्सी ने ये बताया कि वो जो केस है वो वापस खींच रहे हैं, किसानों के साथ केस नहीं लेकिन नेगोशिएशन के माध्यम से वो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो इसमें बहुत सारे लोगों को ये लगा कि किसानों की जीत हो गई एक्सेट्रा, लेकिन अगर इस चीज़ को अगेन हम इन डेप्थ इसका एनालिसिस करें देन वी हैव टू थिंक अबाउट इट ट्वाइस। हमें यू नो जो चिंता का विषय है वो ये है कि आज डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा किसान जो हैं, बहुत सारे किसान जो हैं वो ज़्यादातर प्रोप्राइटरी सीड्स के ऊपर डिपेंडेंट है। नाउ यू बी वंडरिंग ये प्रोप्राइटरी सीड्स क्या होते हैं। प्रोप्राइटरी सीड्स जो हैं वो एक प्रकार से एक लैब में या फिर टेक्नोलॉजी की हेल्प लेकर इनको डेवलप किया गया है, ये एक नेचुरल वेराइटी नहीं है। ऑफकोर्स इसमें एडिटिंग और ये सारी चीज़ें की जाती हैं, और ज़्यादातर ये जो सीड्स हैं प्रोप्राइटरी सीड्स ये एक हाई इनपुट चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हाई इनपुट का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होगी, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और ज़्यादा पानी, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो जो इनपुट कॉस्ट होता है, इनपुट यानी कि प्रोडक्शन के लिए जो एक आपने रॉ मटेरियल है आपका, फिर उसके ऊपर एक प्रोसेस हुई और बाद में हुआ आपका आउटपुट, तो ये जो प्रोसेस का टाइम जो है जिसमें आप सारे फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, पानी, ये सारी चीज़ों को अगर कैलकुलेट करें तो बहुत ही एक्सपेंसिव इनपुट्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं, और आउटपुट जो हैं वो जितना भी क्यों ना हो लेकिन मार्केट में दूसरे भी किसान इसको उगाते हैं, तो जब डिमांड एंड सप्लाई में एक मिसमैच हो जाता है तो किसान ज़्यादा इनपुट कॉस्ट और चीज़ें जो हैं वो रिटेल में ख़रीदते हैं,
और होलसेल में ऐसी चीज़ों को उनको बेचना पड़ता है। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। शायद हमारे देश में ही ऐसी खेती बाड़ी होती है कि किसान सारी चीज़ें रिटेल में ख़रीदता है और होलसेल में बेचता है। ज़्यादातर बिजनेसेस में चीज़ें होलसेल में ख़रीदी जाती हैं और रिटेल में बेची जाती हैं। तो जो स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट तो नहीं है हमारे यहाँ पर, आई वुड से सेमी स्मार्ट हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ज़्यादा केमिकल्स का उपयोग करना, कई बार तो किसान भी ये करते हैं, उनको लगता है जितना ज़्यादा उतना अच्छा। तो ज़्यादा पानी, ज़्यादा फर्टिलाइज़र, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, और बहुत सारी जगहों पर तो पंजाब से एक कैंसर ट्रेन भी चलती है, वहाँ पर बहुत सारे रीजन में लोगों को कैंसर होता है बिकॉज ऑफ दिस हाई केमिकल दे हैव यूज्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो पानी और ज़मीन सारी जगहों पर हमें पोल्यूशन देखने को मिलता है। एनीवे, नाउ द थिंग इज के ये सारी चीज़ों से किसानों का क्या फ़ायदा हुआ है? द थिंग इज, द आंसर इज नो। सबसे बड़ा नुकसान अगर कोई है तो जो हमारी जो एक ट्रेडिशनल वैरायटी थी, जो इंडिजीनियस वैरायटी जो थी, ये चीज़ें अब धीरे धीरे किसान कम यूज़ कर रहे हैं। और इसके पीछे मेन जो कल्प्रिट है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में गवर्नमेंट ने हमें ये सिखाया हमारे किसानों को कि आप ज़्यादा पैदावार हो सके उस प्रकार के सीड्स का इस्तेमाल कीजिए, पेस्टिसाइड्स और ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। उस टाइम पर हमारा सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी थी वो थी फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी अचीव करने के चक्कर में हमने हमारी ज़मीन को, हमारे सीड्स को, ये सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यहाँ पर जो एक प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन लॉ है हमारे देश में, उसमें यह है कि किसान जो सीड्स हैं इसको सेव कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, उसका फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको बेच भी सकते हैं। ये लॉ इसलिए बनाया गया है ताकि किसान जो हैं वो खुश रहें। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंडिजीनियस वैरायटी हैं उसका जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसका क्या, ये सारे इस प्रकार के हाई यील्ड और किसानों को खुश रखने के चक्कर में हमने क्या किया कि आज किसान क्या कर रहा है कि जो जेनेटिकली डिस्टिंक्टिव सीड की जो वैरायटी है, यानी कि जो लोकल वैरायटी है, चलिए मैं इस आपको एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। व्हाट वी आर डूइंग नाउ कि सीड्स को क्या चाहिए, जो एक जो सीड है उसके लिए आपको क्या चाहिए, ये सारी चीज़ों को हम एडजस्ट करते हैं। ना कि नेचर जो है, जो नेचुरल हमारी ज़मीन कैसी है, हमारा क्लाइमेट कैसा है, इन चीज़ों को हम ध्यान में कम रखते हैं। हम ये ध्यान रखते हैं कि सीड को क्या चाहिए। अगर सीड को ज़्यादा केमिकल चाहिए तो डाल दीजिए, नेचर में ये चीज़ बैठती है नहीं बैठती है ये चीज़ हम नहीं देखते, और इसी वजह से इस प्रकार की एक इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलती है। एक आशा की किरण है यूरोपियन यूनियन का रेगुलेशन और ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एंड लेबलिंग ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स 2018 का ये एक लॉ यूरोपियन यूनियन ने निकाला है और वहाँ की जो लोकल वैरायटी है उसको प्रमोट करने की कोशिश की है इस यूरोपियन यूनियन के रेगुलेशन ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स थे, उनके जो लोकल सीड्स थे, अलग अलग वैरायटी के जो सीड्स हैं, लोकल सीड्स, तो इनको सपोर्ट करने की शुरुआत की। उन्होंने मार्केट में भी इनको मीन्स इनकी प्राइस बढ़ा दी और किसानों को कुछ इनपुट्स दिए, कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। तो इससे वहाँ के जो ऑर्गेनिक वैरायटीज़ हैं उसको बेचकर, उसके सीड्स को बेचकर किसानों को काफ़ी फ़ायदा होता है। और हमें भी इस भी प्रकार की चीज़ हमारे देश में ऑफकोर्स करनी चाहिए। तो उसके लिए तीन चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। फर्स्ट वन इज़ कि हमें हमारे किसानों को एजुकेट करना होगा, उनको ये जो हमारी देसी जो बीज की वैरायटी है उसके बारे में उनको एजुकेट करना होगा। और ये चीज़ ऑन द स्पॉट नहीं बदल सकती, वी हैव टू सपोर्ट देम। जो ट्रांजिशन फेस होगा फ्रॉम केमिकल टू नेचुरल साइड, तो इसमें किसानों को कई बार हमें पैसों के माध्यम से, सपोर्ट के माध्यम से, वी हैव टू प्रोवाइड देम बेनिफिट्स एज वेल। सेकंड थिंग इज़ कि अच्छा रिकॉर्ड सिस्टम होना, कितने अलग अलग प्रकार के सीड्स हैं, उनको कहाँ पर बेचा जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं आज ब्लॉकचेन और बिग डेटा और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो इनका उपयोग हमें करना चाहिए। और लास्ट में है ट्रेडिशनल नॉलेज। जो कुछ किसान हमारे देश में ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक खेती बाड़ी करते हैं, तो उनकी जो एक ट्रेडिशनल नॉलेज है उनको यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, जो भी किसानों के साथ डिस्कशन होती है, तो इन सारी जगहों पर हमें एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स बनाने होंगे। फ़िलहाल जो पेप्सिको ने ये केस विड्रॉ कर लिया है तो ये एक छोटी सी जीत ज़रूर है, लेकिन अगर हमने
इस केमिकल और ये सारी चीज़ों से अपने आप को दूर नहीं किया, हमारे किसानों को नहीं बचाया, देन एक लॉन्ग रन में हमारी हार होगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, टेकिंग टेंशंस सीरियसली। यहाँ पर यूएसए ने हमें जो वेवर दिया था, तो इसके ऊपर तो यूएसए ने मना कर दिया। अंकल सैम ने यह बता दिया कि कोई भी एक्सटेंशन भारत को नहीं मिलेगा। अब न्यू दिल्ली यानी कि भारत और ईरान के बीच में जो एनर्जी रिलेशनशिप है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में 7 मई को हमने डिस्कशन किया था कि तेहरान जो है, ईरान से जो हमें ऑयल मिलता है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स थे। हमें कुछ 60 डेज़ की क्रेडिट मिलती थी। इसके अलावा इंश्योरेंस जो है, ट्रांजिट का जो शिप होती है उसका इंश्योरेंस भी ईरान हमें प्रोवाइड करता। तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं, ये सारी चीज़ें हमें छोड़नी पड़ी बिकॉज ऑफ यूएसए का एक प्रेशर था। कुछ टाइम पहले यूएसए ने जो जनरलाइज्ड ये एक प्रेफरेंस जो हमें मिलता था, जो कुछ एग्जेम्पशन मिलता था, कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी, तो इन सारी चीज़ों से भी विड्रॉ करने के लिए बात कही थी मिस्टर ट्रंप ने। मिस्टर ट्रंप ई कॉमर्स या फिर यूएसए ई कॉमर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और डेटा लोकलाइजेशन को लेकर भारत से काफ़ी नाराज हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस थिंग्स बिकॉज हमने इसको डिस्कस कर ली है। आई एम श्योर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होगा। यूएसए बार बार ये बता रहा है कि ये जो वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट की डील हुई और उसके बाद 1 फरवरी से नया कानून आया कि आप एक प्रोडक्ट जो है, एक मोबाइल फ़ोन, पहले आपको पता है सिर्फ अमेज़ोन में मिलता था या फिर सिर्फ फ्लिपकार्ट के ऊपर मिलता था, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने चेंज किए हैं। तो इससे यूएसए की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। फिर आरबीआई ने एक लॉ निकाला है कि जो फाइनेंशियल डेटा है वो हमारे देश में स्टोर होना चाहिए। फिर फेसबुक और दूसरी जो एप्पल, गूगल एक्सेट्रा जो कंपनीज हैं, उनको भी भारतीय लोगों का डेटा हमारे यहाँ पर स्टोर करना है। तो इन सारी चीज़ों से यूएसए जो है वो भारत से नाराज़ है, क्योंकि ये सारी कंपनीज फिर यूएसए के एडमिनिस्ट्रेशन को बता रही है कि आप भारत को बताइए कि ये सारी चीज़ें ना करें। तो इस वजह से हमें ट्रेड टेंशन्स दोनों देशों के बीच में देखने को मिलते हैं। भारत और यूएसए की बात करें तो अगर आप ओवरऑल हिस्ट्री से लेकर आज तक रिलेशनशिप को देखेंगे, देन यू विल फाइंड कि हमारे दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड को लेकर, इकोनॉमी और ट्रेड को लेकर टेंशन जो हैं, ये कोई नई बात नहीं है। एक तरफ हमारे दोनों देश के बीच में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, आर्म्स सेल्स, जॉइंट एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें, डिफेंस को लेकर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कि जब बात आती है तब दोनों देशों में एक टकरार भी हमें देखने को मिलता है। कई बार WTO में भी हम एक दूसरे के खिलाफ गए हैं और ख़ास करके मिस्टर ट्रंप के आने के बाद ये जो इश्यूज़ हैं ये और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं। नाउ द थिंग इज़ कि अगर हम अपने आप को स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बता रहे हैं तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं अगर ये चलते रहें, देन वी कैन नॉट रीच दैट पीक ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। दूसरी जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है, कभी भी UK, ऑस्ट्रेलिया, इसराइल के साथ इस प्रकार के इश्यूज़ नहीं होते यूएसए के, सिर्फ भारत के साथ होते हैं। और इसके पीछे एक रीज़न है, हर एक व्यक्ति की तरह हर एक देश का भी एक नेचर होता है, एक स्वभाव होता है। और यूएसए का स्वभाव ये है कि वी नो एवरीथिंग, हमें सब पता है, राइट, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वी विल टेल यू। और भारत एक ऐसा देश है जो इस प्रकार से किसी देश की जो दादागिरी है वो डायरेक्टली सहन नहीं करता है। देखिए ईरान का नेचर देखिए, ईरान विल डायरेक्टली गो फॉर कन्फ्रंटेशन, राइट। ईरान बता देगा कि नहीं, युद्ध करना है तो चलिए कर लेते हैं, लेकिन आपकी बात नहीं सुनेंगे। भारत का जो नेचर है वो इस प्रकार का है, वी विल नॉट डायरेक्टली रिजेक्ट, वी विल नेगोशिएट, हम डिस्कशन करेंगे, हम कहेंगे कि ये हमारी पोजिशन है, ये है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, हर एक की अलग अलग एक रीत होती है काम करने की, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न, राइट। अगर आप कोई डिप्लोमेट से बात करेंगे जिन्होंने इन एरिया में काम किया है, देन दे विल टेल यू ये जो नेचर है दोनों देशों का, कि यूएसए एक अपर हैंड रखने की कोशिश करता है और भारत कभी लोअर हैंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस वजह से दोनों देशों के बीच में इस प्रकार के इश्यूज़ देखने को मिलते रहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम न्यूज़ आइटम्स। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के साथ एग्री किया है, जो क्लीन चिट दी है मिस्टर मोदी और शाह को रिगार्डिंग देयर स्पीचेस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन नहीं कर सकता। फिर एक पॉलिटिकल न्यूज़ है, जो नायडू हैं तो आंध्र प्रदेश के जो हेड हैं, तो चीफ मिनिस्टर, तो वो राहुल गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई और दूसरे भी लीडर से मुलाकात होंगे। तो इट्स अबाउट दिस कोएलिशन वर्सेस बीजेपी। ईरान सेज इट विल नॉट ऑनर न्यूक्लियर कर्ब्स। यहाँ पर एक इन्फोग्राफिक है डियर फ्रेंड्स, इस इन्फोग्राफिक को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा।
यूएसए ने जो सैंक्शंस लगाए हैं तो ईरान ने अब बता दिया है कि वो भी ये जो JCPOA या फिर ईरान न्यूक्लियर डील के तहत जो डील हुई थी तो इसमें से बहुत सारी चीज़ों को अब फॉलो नहीं करेगा। अलवर गैंग रेप केस में 3 लोगों का अरेस्ट हुआ है और जो वहाँ के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं उनको भी वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है। एक इंडियन एयरफोर्स का जो विमान है वो रनवे से स्लाइड हो गया, किसी को नुकसान नहीं हुआ है लेकिन जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं वो अफेक्ट हो गए। नॉर्थ इंडिया में हमें एक इंटेंस हीट वेव देखने को मिल रही है। गडकरी साहब ने ये बताया है कि पाकिस्तान में जाने वाला जो पानी है उसके फ्लो को कम किया जा सकता है अगर टेररिज्म को ख़त्म नहीं किया। फिर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सुभाष कपूर। ये जो सुभाष कपूर हैं उनका मेन बिजनेस है इस प्रकार की जो पुरानी मूर्तियां हैं तो इसका बिजनेस करना। और ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत सारी ऐसी जो मूर्तियां हैं जो गुप्ता पीरियड की थी, टेरिकोटा से बनी हुई मूर्तियां थी, तो हरप्पन सिविलाइजेशन के साथ जुड़ी हुई ऐसी मूर्तियों को आइडेंटिफाई किया है। तो ये सुभाष कपूर जो हैं वो एक स्मगलर हैं, वो आई थिंक USA में हैं फ़िलहाल। तो ये जो एक न्यूज़ आइटम है तो इसमें कुछ पिक्चर्स हैं, तो इस पिक्चर्स को थोड़ा अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व कर लीजिएगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर है, ये है एक स्नेक का जिसका नाम है अरुणाचल पिट वाइपर। ये एक नया पिट वाइपर अरुणाचल प्रदेश में से मिला है, इसका नाम है अरुणाचल पिट वाइपर। और इसी चीज़ को आप देखिए यहाँ पर, आज हम बात कर रहे थे जो डाइवर्सिटी के बारे में, तो यू कैन सी हियर जस्ट अ सेकंड, राइट हियर वी गो। तो यहाँ पर भी आपको एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मिलता है एंड यहाँ से ही इस स्नेक को हमने ढूंढा है। तो दिस इज़ द थिंग दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है। आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं आपके 5 वोकैब वर्ड्स, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा आफ्टर डाउनलोडिंग द PDF। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज़ डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।